नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये एक फ्लेंज बोल्ट है। इससे पहले भी आपने मेरे साथ इस कंपोनेंट को अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया, तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटोकैड 3D पर। तो आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। दोस्तों, ये स्क्रीन वो स्क्रीन है, जब हम ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है 3D की फाइल। डायरेक्टली ओपन करने के लिए मैंने यहाँ से टेम्पलेट पर क्लिक किया और ये acad3d.dwt इस ऑप्शन पर क्लिक किया। अब देखिए, डायरेक्टली यहाँ से 3D की फाइल ओपन होगी और यहाँ पे जो आपको ये वर्क स्पेस दिख रही है, ये इसमें जो कमांड्स नज़र आ रही हैं 3D की कमांड हैं। यहाँ से देखिए, ये वर्क स्पेस स्विचिंग से हम 3D मॉडलिंग पर ले आते हैं तो यहाँ पर 3D की कमांड्स नज़र आने लगती हैं। अदरवाइज़ ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट में आपको मिलता है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये शुरू करते हैं कंपोनेंट बनाना। तो पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ फ्रंट, नहीं, यहाँ से मैं लेता हूँ लेफ़्ट। तो लेफ़्ट लेने के बाद यहाँ से कर्सर को लेकर गए ये डाइस पर, राइट क्लिक किया और पैरेलल कर दिया और यहाँ से शुरू करते हैं हम बनाना। तो पहला तो मैं एक पॉलीगन बना लेता हूँ, POL टाइप करके एंटर प्रेस किया और अब मैसेज आता है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, मैंने टाइप किया 6 और एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन मैंने ले लिया 0.0.0, एंटर प्रेस किया। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, यहाँ से मैंने लिया। अब ये ऑप्शन जो है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ से मैंने ले लिया, ये ले लिया 18। ओके, और अब एक सर्कल बना लेते हैं। सी एंटर किया मैंने और कहीं पर क्लिक करने के बाद, यानी सेंटर मार्क करने के बाद, अब मुझे डायमीटर की वैल्यू देनी है। डायमीटर के लिए डी टाइप करके एंटर प्रेस किया और इसके बाद टाइप करते हैं 24। इसके बाद एक और सर्कल बना लेते हैं, फिर सी टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने और यहाँ क्लिक किया, डी टाइप करके एंटर प्रेस किया और टाइप किया 31.5 और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए। अब यहाँ से होम अननेम्ड WCS, अब ले रहा हूँ मैं यहाँ से फ्रंट। फ्रंट में फिर इसे पैरेलल किया, अब यहाँ पर L टाइप करके एंटर प्रेस किया। इस दिशा में ये जाएगा 26 बाहर निकले कमांड से। फिर इसके बाद यहाँ क्लिक किया, इस दिशा में आएंगे 10 mm और एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर निकलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से ले लिया मैंने स्टार्ट एंड रेडियस, यहाँ से एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, और ये उल्टा पड़ रहा है। तो दोबारा यहाँ से लेंगे हम स्टार्ट एंड रेडियस, अब ऊपर से आएंगे, यहाँ से पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, इस तरह से ये ले लिया हमने 24, तो कुछ इस तरह से ये दिख रही है। अब 24 की जगह इसको थोड़ा सा और हम ये कुछ इस तरह से ये प्रोफाइल आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ से REG टाइप करके रीजन और इसे रीजन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और फिर से होम अननेम WCS EXT एंटर किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और वैल्यू दे दी 20। EXT एंटर किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, वैल्यू दे दी 90। अच्छा, अब इसे प्लेस करना है इसकी सही जगह पर, तो यहाँ से एक रेफरेंस के तौर पर लाइन पर गए। जैसे ही कर्सर को ये सरफेस पर लेकर जाएंगे, हाईलाइट होगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में, मतलब लगभग हर 3D के वीडियो में बता चुका हूँ कि ये
F6 से एक्टिवेट होता है, डायनेमिक UCS ये ऑन होना चाहिए। इसी की वजह से जब हम कर्सर किसी कमांड में जाने के बाद किसी सरफेस पर लेकर जाते हैं तो वो हाईलाइट होकर एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ से मूव करेंगे इस सिलेंडर को, ये इसके सेंटर से उठाया और इसके यहाँ पर इस पॉइंट पर रख दिया। अच्छा, अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं हम, यहाँ से ये मूव कराया, इसे साइड में ले गए। अच्छा, अब यहाँ पर UNI एंटर, इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से लेते हैं क्या फ्रंट, फ्रंट लेने के बाद यहाँ से पैरेलल, अब ले लिया हमने यहाँ लाइन, इस डायरेक्शन में 4 mm, इस डायरेक्शन में भी 4 mm, और कमांड से बाहर निकले। अब लेते हैं स्टार्ट एंड रेडियस और एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, और इस तरह से रेडियस की वैल्यू 4, ये एक प्रोफाइल बन गई। अब इसे हमने कर दिया रीजन ऐसे। अच्छा, अब फिर से हम आएंगे कहाँ, WCS अननेम्ड। अब देखिए करना क्या है हमें, कि यहाँ से इसे थोड़ा सा घुमाना है, तो 3DRO एंटर, 3D रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अब ये वाला जो है, ये जो गोल्डन वाला रिंग है, इस पर क्लिक किया और इसे हम ये कुछ इस तरह से ये जाएगा, ये देख रहे हैं 270, एंटर दबा दिया। यहाँ एक मिनट, फिर से करते हैं इसको 3DRO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अब यहाँ से हमने इसे ये देख रहे हैं इस ओरिएंटेशन में इसको हमें लेकर जाना है। तो यहाँ से मैंने फिर से ये 270 पर ये आ रहा है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ से रियलिस्टिक 2D वायर फ्रेम, अब एम एंटर। अब इसे देखिए रखना कहाँ पर है, यहाँ से उठाकर यहाँ रख देना। ओके, अब रिवॉल्व के लिए हमें एक वो चाहिए एक्सिस, तो ये ले लिया और ये इस डायरेक्शन में एक एक्सिस बन गई, लाइन बना ली छोटी सी। अब REV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, एंटर दबाया। और अब आते हैं हम उस पर रियलिस्टिक पर, और SUBT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और ये इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाएंगे तो कुछ ऐसी प्रोफाइल हमें दिखाई देगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, मूव, ये जो हमने 31.5 का एक सर्कल बनाया था इसे हम एक मिनट, यहाँ से या तो सर्कल कमांड में दोबारा जाते हैं। अब ये फेस हाईलाइट हो गया आपका, ये सेंटर भी शो हो रहा है, सेलेक्ट किया डी एंटर, 31.5 यहाँ पे बना लिया। ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसे एक बार चेक करना होगा। यहाँ से इसे लिया, देखिएगा ये यहाँ तक ले जा रहा हूँ मैं इसे, और इसको हटा दे रहा हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा बनाना है सर्कल हमें। यहाँ से लेंगे प्रेस पुल, इसके भीतर जाएंगे और पीछे की तरफ, पीछे की तरफ 4 mm, तो ये हमारा एक अच्छा, ये चूंकि ये आगे की तरफ आ गया है, कंट्रोल जेड किया मैंने। अब इस केस में हम क्या करेंगे, प्रेस पुल पर क्लिक किया, इसके भीतर गए, इस डायरेक्शन में गए, अब माइनस में वैल्यू देंगे -4। अब देखिए यहाँ से ये
रिमूव हो गया मटेरियल। अब यहाँ से हमने लिया सॉलिड, अब यहाँ से हम ले लेते हैं ये फिलेट एजेस और आर एंटर, वन एंटर, और ये इसको यहाँ से पलट दें और इस एज को एंटर दो बार दबाया, ये दोनों एजेस फिलेट हो गई। अब ले लेते हैं चैम्फर एजेस, डी एंटर, दो एंटर, फिर से दो एंटर, दो डिस्टेंस हमने दिए यहाँ पर और दोनों सेम, इस एज पर क्लिक किया, एंटर को दो बार दबाया तो ये एज भी रिमूव हो गई। ओके, अब इसको हमें करना क्या है कि इसकी सही जगह पर रखना है, तो उसके लिए हम मूव ये लिया और यहाँ से उठाया और इसको ये यहाँ रख दिया, ये देखिए इस तरह से। अब आर ई वी रिवॉल्व, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, अब एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और एंटर दबाया, ये हमारा फ्लेंच बन गया देखिए इस तरह से। ओके, अब यहाँ से यू एन आई, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, तो ये हमारा फ्लेंच इस तरह से दिखने लगा। अब फिलेट एजेस, डी एंटर, सॉरी एस्केप दबाया, फिलेट एजेस में जाएंगे दोबारा और टाइप करेंगे आर एंटर और 0.5 एंटर, और इस एज को ये लिया और डबल एंटर, ये देखिए ये एज भी राउंड हो गई। अब अगला इसमें जो स्टेप है वो है इसमें थ्रेड बनाना है, तो थ्रेड बनाने के लिए हम लेकर जाएंगे इसे लेफ्ट में, यहाँ से लिया हमने लेफ्ट व्यू और राइट क्लिक करके पैरेलल, और अब यहाँ से लेंगे हेलिक्स कमांड, एच ई एल आई एक्स, हेलिक्स, एंटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, तो हमने यहाँ से ये ले लिया, कहीं क्लिक किया तो सेंटर पॉइंट हो गया। अब रेडियस जो है वो 12 है, बेस रेडियस, टॉप रेडियस भी 12 है सेम, और टर्न हाइट के लिए एच एंटर, ये हमने ले लिया 2 mm, और टोटल हाइट, टोटल हाइट हम ले लेते हैं कितनी है, टोटल हाइट हम ले लेते हैं इसकी करीब 60 mm, तो ये हेलिक्स बन गया। और यहाँ से ये अभी सही नहीं बना तो इसको सेलेक्ट करके इरेज किया, फिर से ले रहा हूँ मैं एच ई एल आई एक्स, हेलिक्स, और यहाँ पर क्लिक किया, वैल्यू 12, फिर 12, टर्न हाइट के लिए एच एंटर, 2 एंटर, और हाइट हमने ऐसे ले ली यहाँ से, इसको ले लेते हैं कितना, ये अंदाजे से हमने ये हाइट ले ली, अच्छा अब इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, ये सेंटर उठाया और ये देखिए हमारे सामने ये है, इसको थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, सेलेक्ट किया यहाँ से 15 mm और पीछे कर दिया, ये ऐसे पीछे चला गया। ये इस तरह से, अच्छा अब इसमें सिंपल मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ क्योंकि थ्रेड का कंसेप्ट मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले तो यहाँ से अननेम्ड WCS ऐसे हुआ, अब मैं एक सिंपल सर्कल बना रहा हूँ, पिच मैंने 2 mm लिया था तो डायमीटर इसका 1 mm ले ले रहा हूँ, और अब मैं स्वीप करता हूँ यहाँ से, रियलिस्टिक की जगह वायर फ्रेम में कर लें तो जल्दी होगा, तो
स्वीप के लिए स्वीप कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, ये सेलेक्ट किया, एंटर दबाया। अब इस कर्व को सेलेक्ट किया, वायर फ्रेम में अगर हम काम करें तो थोड़ा सा ये स्पीड में होता है, नहीं तो अगर रियलिस्टिक में अगर करें तो ये काफ़ी वक्त ले लेता, तो इसलिए मैंने इस बार वायर फ्रेम का ऑप्शन सेलेक्ट किया। विजुअल स्टेट जो है अगर अगर आप चेंज कर लें तो काफ़ी स्पीड आ जाती है। देखिए ये बन गया। अब यहाँ से हम इसे लेकर आएंगे, पहले तो इसको मैं रियलिस्टिक आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा एक स्प्रिंग टाइप की जो है इसके आसपास, मतलब दोनों तरफ लिपट गई है। अब SUBT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में बड़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया पहले, एंटर दबाया, फिर छोटा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर दबाया। तो ये कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। ओके, थ्रेड प्रोफाइल जो है वो ट्रायंगुलर होती है, लेकिन इसमें मैंने आपको केवल इसी तरीके से बताया। अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, क्योंकि उससे फिर वीडियो, ये छोटा सा कंपोनेंट है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने आपको केवल सर्कल का एक सेक्शन बना के इसको थ्रेड के रूप में दिखा दिया। तो दोस्तों ये था फ्लेंज बोल्ट इन ऑटोकैड 3D। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में डालें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।